चलिए देखते हैं उस खबर को जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी है, उस खबर को जो कि इस वक्त की बड़ी खबर है। मंत्री के हस्तक्षेप से नाराज हैं कांग्रेस पार्टी के पार्षद। मध्य प्रदेश के जिला देवास के खाते गांव वार्ड क्रमांक 15 के पार्षद की हम बात कर रहे हैं। पार्षद कमल काशलीवाल ने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए जो आवाज उठाई थी उसे बीच में कहीं ना कहीं गुम कर दिया गया और उसी को लेकर परेशान है, उसी को लेकर अब आरोप लगा रहे हैं अपने ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं पर। उनका कहना है कि ज्यादा दखलअंदाजी के चलते काम नहीं हो पा रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह का व्यवहार रहेगा तो उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ेगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है उन्होंने प्रशासन व जिला अध्यक्ष श्याम होलानी को। आपको बता दें कि वे परेशान हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं जनता की भलाई का, और उन्होंने अब क्या जानकारी दी है, किस तरह से वे हस्तक्षेप से परेशान है, चलिए जान लेते हैं पार्षद से ही। कि मेरे वार्ड क्रमांक 15 में जो मेरा क्षेत्र आता है वहाँ पर नेमावर ट्रांसपोर्ट इंदौर की ट्रकें खाली होती है। वहाँ उन्होंने किसी व्यक्ति के प्लाट पर ट्रक तो खड़ी कर लेते हैं पर जो परचून है वो बाहर ठेले के माध्यम से उतारते हैं, जिससे लोहा अन्य तरह की नुकीली सामग्री जो आती है जिससे भी कभी भी जनहानि या भगवान अगर कोई दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। इसकी जानकारी मैं पिछले 2-3 दिनों से माननीय TA साहब को दे चुका था, मौखिक SDM साहब को भी मैंने दी, पर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मैंने आज सुबह से भी TA साहब से चर्चा करना चाही पर उन्होंने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किया। इससे लगता है कि वो कितने इन गंभीर मामलों में भी ढीला रवैया अपनाते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि नेमावर ट्रांसपोर्ट का जो मालिक है वो इंदौर राउ क्षेत्र में रहते हैं, जो कि हमारे प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी जी का गृह क्षेत्र आता है। तो उनके PA अमित जी शर्मा कोई, उनका फ़ोन TA साहब के पास चला गया है जिसके तहत वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे तो मेरी क्षेत्र की जनता ने पार्षद बनाया है, किसी मंत्री महोदय के कारण तो मैं पार्षद बना नहीं हूँ। बेसिकली आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल अनुचित है ना, बिल्कुल अनुचित है। मंत्री महोदय किसी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? आपके मतदाताओं के सुन रहे हैं तो हमें भी तो हमारे मतदाता का ध्यान रखना है, सामने चुनाव आ रहे हैं, समस्याएँ हैं, और आपके PA हस्तक्षेप करते हैं, अधिकारियों को फ़ोन लगाते हैं, फिर हमारा वजूद कह रहा। हम तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी के नहीं एक किसी मंत्री जी के प्राइवेट लिमिटेड के खाली कार्यकर्ता हो गए, जो कि स्वाभिमानी नेता तो कभी बनना नहीं चाहेगा। इस प्रकार मैंने अपने जिला अध्यक्ष महोदय जो है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उन्हें इसकी जानकारी दे दी, ये सुबह अवगत करा दिया है और 24 घंटे का मैंने समय दिया है कि 24 घंटे में इस तरह की स्थिति अगर बंद नहीं होती है तो मैं किसी भी क्षण अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष जी को दे दूँगा। और साथ ही साथ ये बात भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब ये इस्तीफा की बात आएगी तो अब तो मैं ये भी चाहूँगा कि हमें इस तरह के अधिकारी प्रशासन से ना सौंपे जाएँ जो जनता के इन मामलों में भी हमारा साथ ना दे, नेता मंत्रियों के फ़ोन का इंतज़ार करें। ये बिल्कुल अनुचित है। वहाँ बीच मार्केट है, मेरा वार्ड नगर के मध्य में आता है, व्यवसायिक क्षेत्र है, खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे कोई दुर्घटना जनहानि होती है तो ये काफ़ी दुख का कारण बनेगा। मैंने तो अपनी बात अपने जिला अध्यक्ष को भी रख दी है, आज लिखित TA साहब को भी देकर आया हूँ, आज SDM साहब को भी देकर आया हूँ। पार्टी की तरफ से अगर कोई दबाव आएगा तो क्या? नहीं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझा दूँ साहब कि मेरे को मेरे वार्ड की जनता ने पार्षद बनाया है। इस मामले में मैं किसी भी पार्टी किसी मंत्री का किसी की कोई बात में है, मेरी पहले बातों पर अमल हूँ जो रहूँगा। पहले मेरे क्षेत्र की जनता को अगर कोई तकलीफ़ है तो मैं सामने, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे मंत्री जी हो जो भी हो, मैं क्षेत्र की जनता के साथ था हूँ और रहूँगा।